still looking at me. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा, इन सब का क्या करना है, हमें मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें हम समकोण त्रिभुज का नाम रख देंगे ABC, और जो हमारा एंगल होगा वो होगा थीटा। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया ABC नाम का। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दिया क्या गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कॉट थीटा बराबर में 7/8। ठीक है, हमें कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है पहले से, तो हमें पता है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है। कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे में लंब। ठीक है, आधार बटे में लंब, तो आधार इसमें कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आधार अगर हमने अपना थीटा कोण इसको मान लिया है ए वाले को, ठीक है, तो हमारा आधार AB बन जाएगा। तो AB के हिसाब से ये हमारा 7 यहाँ पे आ जाएगा और 8 हमारा लंब यानी कि इस पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या बनता है, कर्ण पर बना स्क्वायर इक्वल टू आधार पर बने स्क्वायर प्लस लंब पर बने स्क्वायर के प्लस के बराबर में होता है। ठीक है, तो कर्ण हमारा दिया गया है, हमको निकालना है कर्ण इसमें, और आधार लंब दिया गया है, तो यहाँ पे हम आधार की जगह पे 7 का स्क्वायर कर लेंगे और लंब की जगह पे 8 का स्क्वायर कर लेंगे। इन दोनों का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 49 प्लस 64। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 113, और हमको निकालना है कर्ण। ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो अब हमें ये पता चल गया, ठीक है, ये हमारा आ गया अंडर रूट के अंदर 113। अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब आपका कितना है, लंब है हमारा 8, कर्ण कितना दिया गया है, अंडर रूट 113। ठीक है, अब इसी तरीके से कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा भी निकाल लेंगे हम, आधार बटे में कर्ण, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/113 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हम पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। पहला पार्ट दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारा ये फार्मूला पढ़ रखा है हम लोगों ने, a + b × a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे अपना फार्मूला, a² - b² इक्वल टू a + b × a - b। ठीक है, हमारा इस रूप में लिखा हुआ है ये, और इसको हम इस रूप में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो जब ये इस रूप में चेंज होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर - sin θ का स्क्वायर। ठीक है, a² - b² सेम ऐसे यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर - cos θ का स्क्वायर
ठीक। अब हमारा जो वैल्यू है उसको यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू वही है आई है हमारे पास 8 अपान में 113 अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पे 8 अपान में 113 अंडर रूट के अंदर और इसका स्क्वायर सेम ऐसे नीचे भी कर लेंगे 1 माइनस 7 बटे 113 और इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इसलिए हमने 1 लिख दिया है। अब इसका जब स्क्वायर हम लोग आगे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में 8 का स्क्वायर पे करने पे हमारा आता है 64 और अंडर रूट के अंदर 113 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ हमारे पास आएगा 113, ठीक है। सेम ऐसे जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस में 749 और यहाँ पे आ जाएगा 113। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 113 आएगा और 113 में से माइनस 64 करेंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो इसको अब हम आगे लिख सकते हैं 49 बटे में 113 और यहाँ पे सेम ऐसे 113 में से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 113 आएगा और 49 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 बटे 113, 113 से 113 में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या 49 बटे में 64, यही इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, हमें कॉट थीटा की वैल्यू पता है कितनी दी गई है 7/8 दी गई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर करने पे 49 और ये हो जाएगा 64, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला भी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।